नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Xiaomi के Mi Note 2 का एक अनबॉक्सिंग और एक फर्स्ट लुक। जी हाँ, फ़ोन आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है। और जल्दी से जल्दी इसका जो है बॉक्स वगैरह खोल लेते हैं। ये जो फ़ोन है हमें भेजा है GearBest.com ने, तो अगर आप लेना चाहते हैं इसको तो आप GearBest.com से प्री ऑर्डर कर सकते हैं। $510 से शुरू होता है और $630 तक जाता है। साथ में अगर आप DHL से लेंगे तो आपको जल्दी जो है वो मिलेगा, लेकिन DHL के साथ में क्या हुआ वो आप आने वाले रिव्यू में जो है वो देख लीजिए। तो बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से मिला है और आप देखिएगा यहाँ पर जो सील है वो रीपैक की है, यानी कि कस्टम्स ने इस बॉक्स को जो है वो ओपन किया है। बॉक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलता है, बॉक्स जो है वो ओपन करके देखा गया है कस्टम के द्वारा। और इसकी जो कीमत है, सबसे पहले तो आपको वो बताया था, इसकी जो कीमत है वो ग्लोबल वर्जन की $629 है और मुझे जो फ़ोन भेजा गया है वो 4GB 64GB वाला है, तो $518 के आसपास में कीमत है। और मुझे यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी है वो 3482, यानी कि 3400 या लगभग 3500 रुपये मान लीजिए वो देनी पड़ी है। तो अगर आप DHL से मंगवाते हैं, DHL की जो शिपिंग है वो बहुत ही अच्छी है और आपको जो है वो कम कस्टम ड्यूटी में जो चल जाता है, मगर $500 अगर आप पैसे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं। जो ग्लोबल वर्जन है $629 का, उसकी जो कीमत है वो लगभग 42,900 रुपये होती है, यानी कि लगभग 43,000 रुपये आप मान सकते हैं। बॉक्स के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर तो लिखा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा चार्जर जो है वो देना है। तो मुझे जो इंग्लिश वर्जन दिया गया है और चार्जर जो है वो चाइना वाला ही दिया गया है। अगर मैं बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट जो है चाइनीज़ में लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे बैंड्स मिलेंगे आपको। अभी आप ओपन करके देखेंगे क्या कुछ बैंड दिए गए हैं यहाँ पर। 5.7 इंच की जो है वो OLED डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर, 22 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बैटरी 4000 mAh के लगभग की है और इसमें जो है 3D ग्लास जो है वो यूज़ किया गया है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ में लिखी गई हैं। तो बाकी जो है बॉक्स ओपन करके आपको दिखाया था। मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं 4GB और 64GB वाला है और लिखा गया है यहाँ पर शायद मेड इन चाइना वगैरह कुछ। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, हालांकि बॉक्स ओपन ही है पहले से, लेकिन फिर भी आपको ओपन करके दिखा देते हैं किस तरह से मिलता है। यहाँ पर एक जो है वो स्क्रीन गार्ड लगाया गया है और ये है आपका और हमारा Xiaomi का Mi Note 2। इसको जो साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है आपको। सबसे पहले आपको जो है वो कुछ यूज़र गाइड वगैरह दी गई है और ये सब जो है वो चाइनीज़ के अंदर है तो कोई काम की नहीं हमारे। यहाँ पर एक जो है सिम इजेक्टर पिन दिया गया है, इसको भी निकाल लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद में आपको एक कवर दिया गया है। जी हाँ, पहली बार देख रहा हूँ मैं कि Xiaomi के किसी फ़ोन में आपको जो है वो कवर दिया गया है और देना बनता ही है। क्यों? क्योंकि जो पीछे का जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी वगैरह है। और एक सीट टाइप केबल मिलती है, साथ में आपको जो एक चाइनीज चार्जर भी दिया गया है। चार्जर जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9V 2A और 12V 1.5A का। तो चार्जर जो है काफ़ी लाइट वेट है, पतला है, लेकिन जो है वो काफ़ी फास्ट चार्जर है। ये देखिए फ़ोन जो है कुछ इस तरह से मिलता है और पहली बार हाथ में लेते लगता है काफ़ी लाइट वेट है। और अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की तो ऐसा लगता है कि सैमसंग का जो S7 है सेम उस तरह का लगता है। सामने की तरफ एक फिल्म लगा दी गई है और एजेस जो है वो आप देखिएगा, पास से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा काफ़ी जो है वो कर्व दिए गए हैं दोनों तरफ से। 2.5D कर्व क्लास यूज़ किया गया है पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। और पीछे भी यहाँ पर एक लगा कर दिया है एक स्टिकर वगैरह, इसको भी यहाँ से मैं एक बार निकाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए काफ़ी ग्लॉसी है डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है और काफ़ी जो है वो प्रीमियम फील आती है। इसको मैं पावर ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाते हैं कि फिज़िकल ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले क्या कुछ है। यहाँ पे मी लिखा गया है यहाँ पर और उसके नीचे लिखा है mi.com। ऊपर की तरफ आपको जो है वो 3.5 जैक दिया गया है, माइक दिया गया है सेकेंडरी, यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर दिया गया है, राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं, नीचे की तरफ आपको जो स्पीकर माइक और सी टाइप पोर्ट दिया गया है। पीछे की तरफ बात करें तो 22 मेगापिक्सल का कैमरा, डुअल टोन LED फ्लैश दी गई है और नीचे जो है वो mi.com यहाँ पर लिखा गया और कुछ जो है वो चीज़ें भी डिज़ाइन बाय Xiaomi असेंबल्ड इन चाइना करके लिखा गया है। फ़ोन हमारा सेटअप हो गया है, फर्स्ट बूट आपको दिखा देते हैं। MIUI 8 के नाम से आता है और मुझे जो है वो इंग्लिश वर्जन मिला है, ग्लोबल वर्जन मुझे रोम वहाँ पे इंस्टॉल करके दी है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप बोलता है कि आप लोकेशन भी चूज़ कर लो अपनी, जो है वो लोकेशन क्या है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। के बाद ये कहता है कि आप अपना जो है वो राउटर सेलेक्ट कर लो, तो मेरे पास में Xiaomi का डुअल बैंड राउटर है, इसका भी रिव्यू करने वाला हूँ मैं, तो मैं 5GHz वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो डुअल बैंड राउटर्स को भी ये जो है वो सपोर्ट करता है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और चेकिंग सिम कार्ड। तो प्योर ब्लैक आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो पीछे का जो सेटअप होता है वो भी पूरा ब्लैक दिया है यहाँ पर, तो फुल ब्लैक जो है वो फीलिंग इसको देने की कोशिश की गई है। और बेजल तो अभी जो है बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं, देखते हैं कि बेजल जो है किस तरह से आएंगे। तो अभी आप देखिएगा बेजल जो है बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा एजेस पे हैं, बाकी सामने की तरफ जो है बेजल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बहुत ही हल्के से लाइटअप होते हैं, शायद आपको दिखाई भी ना दें। तो मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। फ़ोन को मैंने जो है कुछ देर यूज़ कर लिया, पूरा सेटअप कर लिया और एंतुतु का स्कोर भी आपके लिए लेकर आया हूँ। 1,26,016 जो है वो एंतुतु का यहाँ स्कोर है। फिंगरप्रिंट मैंने सेटअप कर लिया है और आप देखिए इसको बंद करता हूँ, बस इसको आप दबा दीजिए एक बार जितनी भी जोर से आप दबा सकते हैं और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो
काम कर लेता है बढ़िया तरीके से। बस अब जो लगा पूरा दबा दो, हल्का सा टैप करोगे तो टैप वेकअप नहीं है, आप इसको प्रेस वेकअप जो है वो करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे ओपन कर लिया है तो हल्का सा टैप लगाते ही जो ओपन हो जाता है। स्कोरे खुद से बोल रहा है अमेजिंग रिकॉर्ड गेम बोल रहा है और शेयर बोलने बोल रहा है। 3D के लिए ये सब जो है वो दिया गया है। यहाँ पे बैक का बटन इस तरफ है और मल्टीटास्किंग का बटन जो है वो लेफ्ट साइड में दिया गया है। रैंकिंग की बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है हमारे फ़ोन की वो आती है काफ़ी नीचे है, 20 नंबर पे आती है। हालांकि स्नैपड्रैगन 821 है उसके बाद में भी यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ आई है। आपको दिखाया था यहाँ पर, और मैं बात करूँ अगर ब्राइटनेस की तो फुल ब्राइटनेस कर दी मैंने यहाँ पर ताकि आपको जो है वो अच्छे से दिखाई दे जाए। Xiaomi का Mi Note 2 है, Android 6.0.164 bit पे दिया गया है। CPU जो है इसमें आपको 821 मिलता है 2.35 GHz के ऊपर। इसमें आपको जो है Adreno का 530 GPU दिया गया है। स्क्रीन जो है फुल HD की है, उसको जो है यहाँ पर 2K या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो स्क्रीन है वो OLED है, काफ़ी ज़्यादा शार्प डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। 22.6 MP का रियर कैमरा है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको जो है वो 4 GB मिलती है, यानी कि 3712 MB की रैम मिलती है, और इसमें कुछ 1400 यानी कि 1486 MB की रैम अवेलेबल मिल जाती है। 64 GB में से आपको लगभग जो है 53 GB अवेलेबल मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज के अंदर CPU आप देखते हैं यहाँ पर 4 कोर का है, क्वाड कोर दिया गया है, और जो मैक्सिमम है वो 2.35 GHz यहाँ मिलता है। GPU देख सकते हैं आप कॉलकॉम का ही लगाया गया है यहाँ पर। 440 DPI इसकी जो है वो डेंसिटी है। और जो फ्रंट कैमरा है वो 8.3 MP का ऑटो फोकस कैमरा है। जी हाँ, ऑटो फोकस है, आप फोकस कर सकते हैं, एक्सपोजर वगैरह सेट जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर। NFC भी इसमें आपको मिलता है, तो आप मी पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मी पे अवेलेबल है। हालांकि इंडिया में मी पे और एंड्रॉइड पे सैमसंग पे कुछ भी जो अवेलेबल नहीं है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें लगभग सभी सेंसर दिए गए हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर इसमें नहीं मिलता है आपको, हार्ट रेट सेंसर इसमें जो है वो नहीं दिया गया है। उसके अलावा बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जो है वो नहीं दिया है। बाकी सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो जायरोस्कोप हो, अनकैलिब्रेटेड हो, चाहे कैसा भी हो, चेयरो वगैरह मिल जाता है, तो ये सब इसमें आपको जो है वो मिल जाते हैं। और अगर बात करें होम इंटरफेस की तो होम इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलता है। डार्क थीम है और एक दूसरी वाली भी जो है वो थीम है। दो तरह की थीम है, आप जो उनसे भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर अलाउ कीजिए थीम वगैरह, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग जो है आपको इसमें MIUI 8 के ऊपर मिलती है, कुछ इस तरह से आपको जो है वो डिज़ाइन मिलता है। अबाउट फोन में आपको दिखा देते हैं, हालांकि हमने बता दिया आपको 6.0.1 है, और जो MIUI 8 का वर्जन है 8.0.9 है लेटेस्ट, और ग्लोबल वाली जो स्टेबल रोम हमें दी गई है। 4 GB की मेमोरी, 56 GB की लगभग इंटरनल मेमोरी है, और इसमें आपको सेम चीज़ जो है वो मिल जाती है। Mi Note 2 यहाँ पर लिखा गया है। और अगर आपको बात करें तो यहाँ पर जो है इनबिल्ट ऐप लॉक दिया गया है, आप जो है वो ऐप्स को लॉक कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। आपको अलग से थर्ड पार्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं किसको दी गई है। डुअल ऐप्स का भी सिस्टम है, जो भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे उसको आप जो है वो डुअल स्पेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था MIUI 8 के ट्यूटोरियल का, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर कार्ड्स में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इंस्टॉल्ड ऐप मिल जाएंगी आपको, सिस्टम ऐप्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। और देखते हैं कि अगर हम इंस्टॉल्ड ऐप जो हैं, मान लीजिए Gmail हमको अनइंस्टॉल करना है, तो हम जो है वो Gmail को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उसे डिसेबल कर सकते हैं और फोर्स स्टॉप वगैरह जो है वो कर सकते हैं। स्टोरेज आप यहाँ से देख सकते हैं बड़े ही आराम से। बैटरी की बात करें तो बैटरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यूजेस है इसके अंदर, और ये वाला चार्ट देख लेता हूँ, देख लीजिए इतना जो है वो यूज़ हुआ है। स्क्रीन ऑन कितनी देर के लिए थी, हार्डवेयर में जाएंगे आप, स्क्रीन ऑन टाइम देख रहे थे मैंने लगभग जो आधा घंटा फ़ोन को यूज़ किया है। डू नॉट डिस्टर्ब, सेकंड स्पेस, नोटिफिकेशन बार में आप जो है वो देख रहे हैं नोटिफिकेशन आइकन, ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, कनेक्शन की स्पीड आपको दिखाई दे रही है, 0.1 कैरियर का नेम, जियो 4G, तो जियो के बैंड भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बैंड दिए गए हैं, तो ग्लोबली इंडिया में जितने भी फोन्स चलते हैं 2G 3G 4G सभी के बैंड्स को ये जो है वो सपोर्ट कर लेता है। अब चलते हैं इसके कैमरा की तरफ। तो इसका जो कैमरा है आपको 22 MP का रियर और 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो कुछ एक सैंपल ले लेता हूँ यहाँ पे, मेरे दर्शकों ने बोला कि आप जो वो शटर की स्पीड चेक कराया कीजिए कितनी है। तो ये देखिए फोटो खींचता हूँ यहाँ पे, ये देखिए तो ऑटो फोकस मोड में है, फोकस करता है और उसके बाद जो है वो पिक्चर क्लिक कर लेता है। हालांकि इसमें लाइनिंग आ रही है क्योंकि जो सॉफ्ट बॉक्स की लाइट है उसमें सही से काम नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे मोड्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, इसमें जाएंगे आप मोड्स, ऑटो मोड, ब्यूटी मोड, HMT, टाइमर, स्टेटस वगैरह आपको मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें वीडियो मोड की तो यहाँ पर भी आपको मोड मिलते हैं स्लो मोशन और टाइम लैप्स के। सेटिंग दिखा देते हैं आपको, वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है आप 4K में कर सकते हैं इसके रियर कैमरा से। जी हाँ, 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है, 720 कर सकता है और 480 की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। फोकस मेथड दिया गया है, टैप फोकस चाहिए या फिर कंटिन्यूस ऑटो फोकस चाहिए। इमेज कैप्चर वाइल रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में फोटो आप ले सकते हैं। टाइम लैप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कौन से इंटरवल में आपको रखना है, 2 फ्रेम का रखना है, 4 फ्रेम का, 10 फ्रेम्स का, इस तरह से कर सकते हैं। और वॉल्यूम बटन क्या काम करेगा, जूम का, वो सब कर सकते हैं। एंटी ब्रांडिंग को आप जो है 50-60 हर्ट्ज़ के बीच में कर सकते हैं।
इसी तरह से आपको जो है वो पिक्चर्स का मिल जाता है। पिक्चर में आप जाएंगे तो क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई लो स्टैंडर्ड फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, 16:9 ये सब इसमें जो है वो कर सकते हैं। कुछ पिक्चर मैंने यहाँ पर ली है वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पिक्चर जो है वो सेल्फी में ली है और ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ में ली है, तो पिक्चर जो है वो इतनी अननेचुरल नहीं लगती है। बिना किसी लाइट के ली है पहली पिक्चर, देख लीजिए किस तरह से मिलती है। दूसरी भी जो है वो सेम तरह से ली है, और जो तीसरी पिक्चर है उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट मोड में लिया है और फोकस किया है। जी हाँ, ऑटो फोकस मिलता है तो ऑटो फोकस करके लिया है। चौथी पिक्चर को देखेंगे तो भी आप जो है मैंने एक्सपोजर को जो है काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, यानी कि जीरो पे होता है तो मैंने 1.5 जो है एक्सपोजर किया, तो आप देखिए चेहरे पर जो डिटेलिंग है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ये है रियर कैमरा की पिक्चर, बिल्कुल डिफॉल्ट मोड में ली है HDR को ऑफ करने के बाद में, तो कुछ पिक्चर आप यहां पर जो है वो देखते हैं। हालांकि लाइट नहीं पड़ रही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर भी जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दी है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं बढ़िया पिक्चर आपको देखने को मिलती है। बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट था ये, मी नोट 2 लिखा हुआ है, तो फोकस थोड़ा सा नहीं बन पाया डब्बे के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक एक शब्द जो लिखा गया है वो आपको बड़ी क्लैरिटी से इसमें दिखाई दे जाएगा। अब बात करते हैं अगर आप इसको लेना चाहते हैं इंडिया में तो किस तरह से ले सकते हैं। ये फ़ोन जो है वो GearBest.com के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं आज की बात करूँ तो इसकी जो सबसे कम वाली वैल्यू है वो $509.99 है, $509.99 का मिलता है। अगर आप इसमें 6GB वाला लेना चाहते हैं तो वो आपको जो है $630 के लगभग जो है वो मिलेगा। अगर मैं बात करूँ DHL की शिपिंग, तो आपको लगभग $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो $520 अगर आप दे देते हैं तो आपको ये फ़ोन 35,457 में पड़ सकता है। और ब्लैक फ्राइडे के कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं तो आपको उसका भी लिंक दिया है यहाँ पर, हो सकता है कुछ डिस्काउंट लगाकर आप इसको जो है वो सस्ते में बुक कर सकें। हालांकि ये जो फ़ोन है प्री ऑर्डर के अंदर है अभी GearBest के ऊपर, लेकिन उन्होंने मुझे GearBest ने स्पेशल जो है एक पीस भेजा है रिव्यू के लिए और गिव अवे के लिए। जी हाँ, ये जो फ़ोन है वो गिव अवे के लिए जाने वाला है, पावर्ड बाय स्पॉन्सर्ड बाय GearBest। जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर किया है GearBest ने, लेकिन जो रिव्यू है वो GearBest के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप खुद से देखिएगा रिव्यू और अपना दिमाग लगाइएगा। तो लगभग ₹35,000 लगेंगे आपको $520 को बाय करने के अंदर, और अगर आप इसी कस्टम ड्यूटी की बात करें तो लगभग ₹4,000 मेरे केस में लगी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम ₹4,000 देने पड़े, हो सकता है ज़्यादा लगें, हो सकता है कम लगें, क्योंकि डब्बा उन्होंने खोल के देखा है कस्टम वालों ने। मैंने आपको दिखाया जो आउटर पैकेज था वो खुला हुआ था, DHL ने खोल के दिखाया था, लेकिन फिर भी अगर आप DHL से मंगवाएंगे तो आपको शिपिंग मान के चलिए जो फ़ोन है उसकी आधी कीमत जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, आपको जो है बहुत सस्ते में काम जो है वो हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिंक मैंने दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। कुछ दिन मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ फ़ोन को, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन जो किस तरह से काम करता है। इसका जो पावर पैक रिव्यू है आपको जल्द ही मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा आप इस फ़ोन के कौन कौन से रिव्यू देखना चाहते हैं तो ज़रूर से वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप हमारा वीडियो देखते रहते हैं तो ज़रूर से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बता दीजिए कि देख लीजिए इंडिया की अनबॉक्सिंग भी आ गई है हिंदी में Xiaomi के Mi Note 2 की, जो फिलहाल अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं की है। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ये वाला बटन दबाकर, और आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।